हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है फ्रेंड पूर्णा किचन में। आज हम लेके आए एक बहुत ही हेल्दी मिठाई की रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिठाई को बनाने के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने हिसाब से इनकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 10 ही काजू लिए हैं, 10 से 12 बादाम लिए हैं, आधी कटोरी हमने अखरोट लिए हैं और एक खोपरा है जो सूखा वाला नारियल होता है उसको टुकड़े कर लिया है। खजूर लिए हैं 15 से 20 खजूर होंगे और ये अंजीर हैं 3 से 4 अंजीर, जिनको बीच में से कट कर लिया है। अब एक कढ़ाई रख ली है, उसमें हमने ये 2 चम्मच घी डाला है। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इनके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा, जिससे कि हमारी मिठाई हम ज़्यादा दिनों तक भी रख सकते हैं। काजू बादाम हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे हम। फ्लेम को लो ही रखें, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। अब इसी में खोपरा और अखरोट इन दोनों को भी कर लेंगे, इसी में थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, कुछ ही सेकंड करेंगे, नहीं तो ये सारे जल जाते हैं बहुत जल्दी। फ्लेम को लो रखेंगे, आप चाहें तो इन्हें तल भी सकते हैं। अब इसी में ये अंजीर और लास्ट वन खजूर, ये हमने बिना बीजे वाले लिए, अगर आपके बीजे वाले हैं तो आप उनमें से बीजे निकाल लें। पहले हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्सर के जार में डाल के पीस लेंगे, थोड़े हल्के गुनगुने में ही इन्हें पीस लें, क्योंकि हमारी मिठाई थोड़े हल्की गर्म होगी तभी उसको हम सेव दे पाएंगे। पीस लिया है सारी चीज़ों को, ये अच्छे से सारी चीज़ें पिस गई हैं। अब इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। सारी चीज़ें निकाल ली, अब देखिए अच्छे से इसमें बाइंडिंग हो जाएगी। हमने ना इसमें शक्कर डाली है ना गुड़ डाला है, फिर भी अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लड्डू भी बना सकते हैं। और आज हम इसको एक बार का शेप देंगे, जो मिल्की बार मिलती है उस हिसाब से ऐसा लड्डू जैसा बना के और शेप दे देंगे। देखिए लड्डू जैसा बना के और उसको हमने प्रेस कर दिया है, और ये इसी शेप के हम सारे मिठाई बना लेते हैं। मिठाई बन चुकी है, इसके ऊपर अब हम ये काजू को हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है, एक एक लगा देंगे। हमारी मिठाई बनके एकदम तैयार है, इसलिए आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी मिठाई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।